हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जो है मास्टर कार्ड की लाइव टेस्टिंग करेंगे। ऐसी वेबसाइट पर हम इसको चलाकर देखेंगे कि क्या वहाँ पर जो है ये कार्ड एक्सेप्ट होता है या नहीं। तो इसके लिए मेरे पास एक कार्ड है जो यूबीएल का है, यूबीएल का मास्टर कार्ड है। तो यहाँ पर जो है मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जिस मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इस अकाउंट को जो है आपको किस तरह से बनाना है, इसके लिए सैलरी स्लिप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, और ये जो है काफ़ी बेस्ट मुझे लगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसको जो है किन से कौन से वेबसाइट पर हम यूज़ करेंगे और किस तरह से यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो गूगल एडवर्ड का है, यानी काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी है। एड्स रन करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। और दूसरा जो है हम मोबाइल ऐप्स को जहाँ पब्लिश करते हैं उसे कहते हैं गूगल प्ले कंसोल, जो करीब $25 का है। हम उस पर चेक करेंगे इस कार्ड को कि क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और लास्ट में जो है वीडियो को लाइक करें या अब करें, और अगर पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो में मैंने जो है आपको कुछ नॉलेज दी है या नहीं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा इंट्रो देख लीजिए और मैं जो है थोड़ा सा चाय पी लेता हूँ क्योंकि सर्दी है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों इस कार्ड को चेक करने के लिए मुझे जाना होगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और उसी जगह जो मैं वेबसाइट पर यूज करूंगा तो उन्हीं वेबसाइट को हम विजिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों वेबसाइट पर चलते हैं। सो मेरे भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बैड जो है सुनाई देगी, बट अगर मैं इसको एडिटिंग में लग जाऊँ तो जो है मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपको वीडियो डिले मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो है रात को आपके लिए ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक ब्राउज़र ओपन किया है और यहाँ पर गूगल को भी मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पर सिंपली मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल एडवर्ड। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि गूगल एडवर्ड जो है हम उस पर भी इसको टेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ जो है हम इसको प्ले स्टोर पर भी सर्च करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिखाई दे। सो यहाँ पर जो है गूगल एडवर्ड जो है हमारे सामने ओपन हो रहा है। लोडिंग में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि दोस्तों काफ़ी पावरफुल वेबसाइट है। सो यहाँ पर ये ओपन हो गया। अगर आप फर्स्ट टाइम करते हो तो यहाँ पर जो है आपको साइन इन होना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर साइन इन हो जाता हूँ। मैंने काफ़ी बार इसको यूज़ किया है अपनी वीडियोज़ को जो है प्रमोट करने के लिए, बट उस टाइम जो है मेरा इतना जो है एक्सपीरियंस नहीं था गूगल एडवर्ड पर। अब जो है मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक वीडियो बन जाए तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों मैं पजूल की वीडियोस बनाना जो है छोड़ रहा हूँ, आप जो कहेंगे उसी टॉपिक को लेकर जो है मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगा। सो यहाँ पर गूगल एडवर्ड्स हमारे सामने ओपन होकर आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा टाइम लेता है। सो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है गूगल एडवर्ड जो है कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। और जैसे ही मैंने इसको यूज़ किया है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर यह कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। यहाँ पर लास्ट मंथ जो है हमारे हमने जो है इसे यूज़ नहीं किया। अगर मैं इसे ऑल टाइम पर कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं आपको ऑल टाइम पर करके दिखा देता हूँ, तो मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है गूगल एडवर्ड को। ये काफ़ी काम की चीज़ है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 1,02,000 जो है हमारे इम्प्रेशन थे, 1,21 रुपये जो है फर्स्ट अगर एक वीडियो जो है किसी ने देखा है तो उसके जो है मेरे अकाउंट से 1 रुपये कट गया है। सो ये मैंने बेसिकली प्रमोशन के लिए इसको बताया। सो बेसिकली हम इसी चीज़ को ऊपर बात करेंगे जिसके लिए ये वीडियो बना है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर बिलिंग में मैं जाता हूँ और बिलिंग समरी पर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ें कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता, बट मैं आपका भाई हूँ। मैं आपको जो है जो भी चीज़ होगा मेरे साथ, जो भी परेशानी प्रॉब्लम्स आए, मैं इंशाल्लाह उसके लिए आपको उस प्रॉब्लम में फंसने नहीं दूंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ट्रांजैक्शन, ये मास्टर कार्ड यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं मैनेज पेमेंट मेथड पर क्लिक कर लेता हूँ,
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मास्टर कार्ड है, और जो है इसी कार्ड को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4018, और अगर आपने पीछे वीडियो अगर पीछे किया तो वहाँ पर भी जो है मेरे कार्ड का नंबर आपको ऐसा ही शो होगा। ये जो है मेरा अभी कार्ड में बैलेंस नहीं है, इसी वजह से जो है ये डिसलाइन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर पिक्स कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे सामने आ जाएगा, और यहाँ पर कार्ड देख सकते हैं, हम अपडेट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कार्ड जो है सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब बात कर ले प्ले कंसोल की कि वहाँ पर जो है हमारा कार्ड सपोर्ट होता है या नहीं। सो सिंपली हम लिख लेते हैं प्ले कंसोल, जैसे कि आप देख सकते हैं यह साइन अप पर आ चुका है। मैं जल्दी जल्दी से जो है इसे खोल देता हूँ। सो यहाँ पर आप दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको अपने अकाउंट से जो है इस पर लॉगिन होना है, और यहाँ पर जो है जैसे ही आप 3-4 स्टेप में ये कवर होता है, यहाँ पर आपको साइन अप करना है और एक्सेप्ट डेवलपर एग्रीमेंट जो अभी जो है हमारे सामने ओपन होकर आ गया है। सो यहाँ पर कंटिन्यू टू पेमेंट, अगर मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर लेता हूँ सो यहाँ पर आप देख सकें कि हमारे सामने जो है पेमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। सो यहाँ पर भी मैं इसी कार्ड को यूज़ करने वाला हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कार्ड जो है यहाँ पर भी वही 4018 वाला कार्ड जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यकीनन जो है आपको समझ आ गया होगा, और ये कार्ड जो है मैं सभी को प्रेफर करता हूँ कि आप यही कार्ड बनाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें वीडियो को, क्योंकि मैंने जो है इसी कार्ड से इन दोनों वेबसाइट पर पेमेंट किया है, और आपको भी यकीनन ये कार्ड जो है काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। सो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।